क्या वजह है? हमारी जो बात थी कि जिस दिन हमें ये लगेगा कि आज हमारा काम हो गया, उस दिन हम जयपुर छोड़ देंगे। क्या कोई जल्दबाजी थी घर जाने की? नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं थी। कोई प्रोग्राम वगैरह तो नहीं था घर पर? 3 दिन पहले मेरे घरवाली ने मेरी बच्ची का रिश्ता कर दिया, तब मुझे जल्दबाजी नहीं थी, तो फिर काहे की जल्दबाजी। लोग कह रहे हैं कि इस बार भी मुख्यमंत्री से जब आप मिलने गए तो कोई लिखित समझौता नहीं हुआ, कोई दस्तावेज सामने नहीं आया, कहीं ये भी हर बार की तरह लॉलीपॉप तो नहीं है? लिखित समझौता तो किया था ना, थी वो पहले 21 तारीख को, उसमें धोखा हुआ था ना। तो इस बार नहीं, इस बार जो डिपार्टमेंट्स हैं, DOP है, फाइनेंस है, जितने डिपार्टमेंट हैं उनसे हमारी बिल्कुल तल्लीनता से बात हुई और हमारे हर सवाल का जवाब सही तरीके से दिया गया, और हमें ये महसूस हुआ है कि अब इनका काम हो गया। लोग ऐसा कह रहे हैं, कहीं ना कहीं से ये बात निकल कर आई है कि योग्यता के आधार पर नियमित किया जाएगा, जिसकी जितनी शैक्षणिक योग्यता है, इस बात में कितनी सच्चाई है और क्या उसका क्राइटेरिया है? देखिए, सबसे पहले तो ये अभी संविदा शिक्षक नहीं है, ये लोग संविदा में नहीं है, ये हैं आधे अधूरे हवा में लटके हुए, इनका कोई मालिक नहीं है, इनको ऊपर 24 घंटे की तलवार है, कभी भी इनको एक साधारण जो आप ऑफिसर है उसका जो विभागाध्यक्ष है वो एक लेटर के द्वारा निकाल सकता है, क्योंकि ये सभी अस्थाई हैं। तो अभी आपकी क्या बात हुई है सरकार से, जो बातें आ रही हैं अलग अलग तरीके से कि किसी को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी बनाया जाएगा, किसी को शिक्षक बनाया जाएगा, किसी को तृतीय श्रेणी, इस तरह से वो बात नहीं, उससे पहले जो काम होना है जी, ये तो बाद का काम है, इससे पहले जो होना है इन लोगों को हवा से लटक रहे ना, इनको एक सही जगह पे लाया जाएगा, पहले इनको संविदा रूल्स जो हैं उनमें लाया जाएगा, फिर उसके बाद संविदा रूल्स में आने के बाद फिर इनकी स्क्रीनिंग होगी। अब उसमें ये कहाँ फिट होते हैं उसके हिसाब से इनको नियमित किया जाएगा। अभी नियमित उनको ही किया जाएगा जिनकी बिना ब्रेक के 5 साल कंप्लीट है, ये मेरे साथी हैं वो आराम से सुन लें, 5 साल का नियमित उनको ही किया जाएगा जिनके बिना किसी ब्रेक के, ये बड़ा कहीं कोई सर्विस ब्रेक नहीं है, बिना किसी ब्रेक के लगातार 5 साल हैं उनको ही नियमित किया जाएगा। स्क्रीनिंग का मतलब भी तकरीबन यही है। इसके लिए क्या कोई एग्जाम वगैरह भी लिया जाएगा या कुछ डायरेक्ट भर्ती होगी? ये सीधी सी बात है, ना इनका कोई एग्जाम है ना इनका कोई फॉर्म है, कुछ नहीं होगा इनको। इधर संविदा से लेने के बाद डिपार्टमेंट को सौंप दिया जाएगा और डिपार्टमेंट अपनी तरफ से इनके लिए जो पद बनता है वो पद क्रिएट करेगा। तो अब अपनी जो लड़ाई है वो लड़ाई है एक ऐसे आदमी को चयन करना जिसमें हम तीनों जो लोग हैं हमारे मदरसा पैरा टीचर शिक्षा कर्मी, तीनों के अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, राजीव गांधी पैरा टीचर, तो इन तीनों के अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, एक है शिक्षा बोर्ड शिक्षा कर्मी बोर्ड के अधीन, एक है डायरेक्टर के अधीन और एक है मदरसा बोर्ड के अधीन, तो इनके तीनों अधिकारी अलग हो गए। तो अपन इसमें हैं कि कहीं एक ऐसे आदमी को हम चूज कर लें, एक ऐसे आदमी का आदेश करवा लें DOP से या जिस डिपार्टमेंट से होना है कि इनकी तीनों की एक ही आदमी पूरे काम करे, तो हम इस काम में लगे हुए हैं। और इस काम इसकी कोई समय सीमा तय हुई है क्या कि कब तक ये काम हो जाएगा? देखिए, इतना कहूँगा कि जल्द हम जयपुर की धरती पर एक बड़ा सम्मेलन करने वाले हैं। सरकार के पास भी ज़्यादा वक्त अब बचा नहीं है, इसलिए लोगों की बेचैनी भी बढ़ रही है कि वक्त ऐसा ना हो कि सरकार अपना टाइम पूरा कर ले और फिर ये मामला लटक जाए। नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। फिर भी देखिए, 99.99% के बाद भी 0.1% संभावना रहती भी है। तो मैंने जैसे किसी भाई ने कोई ट्वीट किया था कि गए, तो मैंने उनको जवाब दिया था कि अभी हम जिंदा हैं और जो सड़कें हैं वो खाली हैं। हमारा एक ही ध्येय है, सभी 14,065 लोगों का नियमितीकरण। इस बार आप कुछ ज़्यादा आश्वस्त नहीं लग रहे, क्योंकि आपके साथ पहले भी 3 बार धोखा हो चुका है। मुख्यमंत्री ने 31 दिसंबर को जब आपको वार्ता में बुलाया था, उन्होंने कहा था कि 1-2 दिन में
अधिकारियों और आपको साथ लेकर के मीटिंग होगी, वो मीटिंग उन्होंने आज तक नहीं ली। नहीं, मीटिंग और हमारी बजट से पहले जो पैरा टीचर्स थे उनको ये उम्मीद थी कि बजट घोषणा में मुख्यमंत्री कुछ ना कुछ उनके बारे में कहेंगे, लेकिन सिर्फ मानदेय बढ़ाने की बात हुई, वो सभी के लिए थी। तो इस बार ऐसा क्या हुआ है कि आप उन पर पूर्णतया आश्वस्त हैं, इतने विश्वास के साथ आप कह रहे हैं कि काम हो जाएगा? कुछ सवालों के जवाब मैं चाहूँगा मेरे साथ ही हनुमान जी दें, वो दे देंगे, खम्माराम जी दे देंगे। मैं आपसे इतना कहता हूँ कि हम जल्द 14,000 लोग जयपुर की धरती पर एक बड़ा जश्न करेंगे। लोग ऐसा कह रहे हैं कि आप आंदोलन करते करते थक गए थे, इसलिए आपको भी एक सम्मानजनक वापसी चाहिए थी, इसलिए ये सब कुछ हुआ। मैं जब बैठा था तब आपसे भी मेरी बात हुई थी, मैंने कहा था कि कम से कम 6 महीने लगेंगे और मैं 6 महीने की तैयारी करके आया था, और 13 जनवरी को मैं साइन भी इसलिए करके आया था स्कूल जाके कि अगले जो 4 महीने हैं वो अपने आराम से निकल सके। थकना तो अपनी ज़िंदगी में है ही नहीं। हम 5 जुलाई 2019 से लगातार घर से बाहर निकले हुए हैं, लगातार आप देख रहे हैं, हमने अपनी सब छुट्टियाँ खा ली, मेडिकल PL CL जो कुछ मिलता है वो सब खा गए। यानी इस मांग को लेकर अब दोबारा तो आंदोलन नहीं करना पड़ेगा ना? मुझे अल्लाह रब्बुल इज्जत से, ईश्वर से ऐसी उम्मीद है कि अब नहीं करना पड़ेगा, अब एक अध्याय खत्म हुआ है और आंदोलन अब कोई और हो सकता है, वो अलग बात, किसी और मांग को लेकर हो, वो अलग बात है, लेकिन ये मामला मान लेते हैं मामला खत्म। जैसे ही बजट पेश हुआ वैसे ही आप तुरंत अमीन कागजी के घर पर जाकर धरने पर बैठ गए, आपने उसका जिम्मेदार उन्हें ठहराया कि कहीं ना कहीं आपकी बात सरकार तक नहीं पहुंचा पाए, जबकि उनकी मुख्य भूमिका थी। तो अब जब आपकी बात सरकार तक पहुंच गई है तो अब आप किसको इसका श्रेय देना चाहेंगे? देखिए, हम वहां जाके ठहरे नहीं, हमने इन चारों के घर पे कब्जे किए। हाँ, आप तो घर के अंदर ही थे, कब्जे किए हमने चारों, नहीं एक ही के? नहीं, अमीन कागजी के घर पर, अमीन कागजी के भी किया, रफीक खान के भी किया, अपने वाजिब भाई के भी किया, और धर्मेंद्र साहब की भी किया। धर्मेंद्र साहब का घर क्योंकि 9 मंजिल पे है तो हम वहाँ नहीं रुक पाए, तो हमने जो टूरिस्ट उनका ऑफिस है वहाँ पे किया, लेकिन उन्होंने हमारे लोगों से समझाइश करके बात कर ली। वैसे वाजिब साहब ने कहा कि भाई मैं तो आपके लिए इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ, तो फिर उनके यहाँ भी कोई धरने की बात नहीं थी। रफीक खान साहब के यहाँ बैठे थे, बैठे भी रहे, रफीक खान साहब ने फिर हमारी बात, देखिए इसमें किसने करवाया आपका श्रेय, तीन लोग आपके साथ थे। बात तो ये है, सबसे ज्यादा अगर श्रेय जाता है तो अमीन कागजी को जाता है। काम अभी हुआ नहीं है, मैं ये जो कह रहा हूँ सबसे ज्यादा जो श्रेय जाता है वो अमीन कागजी को जाता है। इसके साथ साथ रफीक खान साहब, वाजिब अली साहब, धर्मेंद्र जी राठौड़ साहब, और आजकल थोड़ा सा श्रेय हम दानिश अबरार को भी देंगे। हाँ, विधानसभा